हाय फ्रेंड्स, आज हम एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। मेरे साथ एग्जामिनर 2014 बैच और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2013 बैच बैठे हुए हैं। आज हम कंपेयर करेंगे कि एग्जामिनर ज़्यादा बेटर पोस्ट है या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बेटर पोस्ट है। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से पूछना चाहूँगा, जो 2013 बैच से है, कि आपने सबसे पहली प्रेफरेंस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों दी? देखो, इनकम टैक्स की पहली प्रेफरेंस इसलिए रही थी कि सबसे बड़ा इशू जो रहता है कि होम पोस्टिंग का, जो सपोज़ अगर मार्क्स कम रह जाते हैं तो बच्चों की बाहर पोस्टिंग आ जाती है, तो वो इनकम टैक्स में एक मेन रहता है पॉजिटिव पॉइंट कि वो स्पेसिफाइड टाइम के, अभी फ़िलहाल ये रूल चल रहा है कि एक साल के बाद अगर कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स में अगर तुम्हारा केस लाई करता है तो ट्रांसफ़र हो जाता है होम स्टेट पे, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी अप्रोच के। तो एक ये सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे मेरे को अपना पर्सनल था कि मेरे को होम स्टेट की प्रेफरेंस रहेगी, तो मार्क्स का या सीट के हिसाब से एलोकेशन मेरा मुंबई जैसे सेंटर पड़ा मिला मुझे, तो इस हिसाब से मेरे को दिल्ली ट्रांसफ़र होने के मेरे चांस ज़्यादा थे, इसलिए मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं इनकम टैक्स को चूज़ करूँ। आपकी सबसे पहले एग्जामिनर पोस्ट? मैंने एग्जामिनर जो चॉइस है मैंने इसलिए फिल किया, जैसे मैं अपने भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या है कि होम पोस्टिंग आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बट लेकिन जिनको कुछ लोगों को होम सिकनेस होती है, घर जाना है, मेरे को लगा कि मैं बाहर रह सकता हूँ, बट लेकिन देश का सबसे बड़ा पोर्ट बताते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है नवाशिवा, तो मेरे को लगा एग्जाम में वहाँ जाके काम करने का मौका मिलेगा, तो एक एडवेंचर सा मेरे को लगा, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया और दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग हियर और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोचिंग में आप दोनों को आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में बताया हुआ कि ये बहुत ऐसी पोस्ट है, कुछ दिमाग में उस टाइम पे अप्रीहेंशंस होंगे, आपके दिमाग में भी उस टाइम पे अप्रीहेंशंस होंगे कि एग्जामिनर ऐसी पोस्ट है, ऐसी पोस्ट है, रियल में क्या ये सब सही है जो कोचिंग में बताया जाता है? नहीं देखो, कोचिंग में बताया जाता है, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बताई जाती है कोचिंग में, बट लेकिन कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन अभी है, बट लेकिन रियल में वो चीज़ें नहीं है जो कि कोचिंग में बताई जाती हैं, बट लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें सही भी हैं, क्योंकि कोचिंग में बताया जाता है कि प्रमोशन आस्पेक्ट्स काफ़ी बेटर हैं, तो यहाँ पे आके भी देखने के लगता है कि मतलब प्रमोशन आस्पेक्ट्स बेटर हैं, और जॉब की अगर हम प्रोफाइल को देखते हैं तो फील आता है कि वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री, वी आर द इकोनॉमिक सोल्जर, ऐसी बातें लगती है कहीं ना कहीं कि हम कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पब्लिक सर्वेंट की तरह से हमें पब्लिक देखती है, समाज में थोड़ा सा सोशल रेस्पेक्ट भी रहता है, तो बट लेकिन एक अगर हम करें थोड़ा हैक्टिक शेड्यूल भी है, रात में भी काम करना पड़ता है, कभी कभी शिफ्ट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आप ठीक से एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हैक्टिक भी है, तो हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं, इस तरह की बातें कहीं ना कहीं सामने आती हैं, पर लेकिन देखा जाए फिर भी मतलब बेटर है बाकी जॉब्स की कंपेयरिंग किया जाए। आपके केस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो प्रोफाइल बताई गई कोचिंग में, क्या वो बिल्कुल सेम बताई गई जो अभी है? हाँ, एग्जैक्ट सेम तो नहीं था, क्योंकि इन प्रैक्टिकल आके तो जो बाहर जैसे हम तैयारी करते थे या बिना तैयारी के भी जो एक जनरल पब्लिक में एक व्यू रहता है इनकम टैक्स में कि एक वो रेट वाला सीन सबसे ज़्यादा सब लोगों को रहता है, तो ऐसा हर किसी किसी के साथ हर किसी की पोस्टिंग में ऐसा नहीं होता, स्पेसिफिक सेक्शन है वहाँ पे पोस्टिंग हुई तो रेट कंडक्ट करेंगे, कुछ अलग सेक्शन है, मान लो वार्ड में पोस्टिंग है तो अलग सिर्फ केसेज स्क्रूटनी के केसेज सिलेक्ट होते हैं जो ऑनलाइन सिलेक्ट होते हैं तो उनकी असेसमेंट चलती है, कुछ बिल्कुल अलग है कि जो इंटरनेशनल टैक्सेशन डिपार्टमेंट सेक्शन अलग है कि जो जिन केसेस में ट्रांजेक्शन इंटरनेशनली होती हैं उनके केसेस सिलेक्ट होंगे, तो अलग अलग है, एग्जैक्ट जो बताया गया था वो तो नहीं मिला, बट यस अंदर जाने के बाद बहुत चीज़ें इन एक्चुअल देखने को मिली। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, बाहर जैसे कोचिंग में बताया जाता है कि ऐसा वर्क है इम्पोर्ट और एग्जामिनेशन का और एक्सपोर्ट एग्जामिनेशन का मेन वर्क रहता है, बट लेकिन ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट में सारे तरह के काम करने पड़ते हैं, कभी कभी आपको ऑफिस वर्क भी रहता है जहाँ पर क्लरिकल काम आपको फील होता है, तो ऐसा ना सोचा कि मतलब सारा आपको मेन वर्क है जो कोचिंग वगैरह में बताते हैं मेन वर्क को बताते हैं, बट लेकिन बिहाइंड अगर बात करें प्रैक्टिकल में बात करें तो कहने के ऑफिस वर्क भी है और वो भी हमारे गवर्नमेंट के लिए जरूरी होता है, उसको भी हम करते हैं। अच्छा, रियल जॉब प्रोफाइल में जो आप कर रहे हो एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और आप कर रहे हो एज एन एग्जामिनर, तो रियल में एक एग्जामिनर का काम क्या है, ठीक है, और इंस्पेक्टर का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम क्या है? अगर मैं एग्जामिनर की बात करूँ तो जो मेन वर्क होता है वो जैसे इम्पोर्ट एग्जामिनेशन, जैसे मान लो बाहर से कोई सामान हमारे इंडिया में आ रहा है तो उस पर ड्यूटी कलेक्ट करना, कि जैसे मान लो कि लेकर आ रही है, लेकर पर वन जितनी भी ड्यूटी है उसको लेना, या कोई भी गुड्स आ रहे हैं उस पर ड्यूटी कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करना, या यहाँ से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि ये जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इलीगल गुड्स तो नहीं है, और उन पर जो उसकी वैल्यू या जो भी डिक्लेयर किया गया है वो बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट का हमारा कहीं भी रेवेन्यू जनरेट करने में हम कम तो नहीं कर पा रहे,
रेवेन्यू को हम प्रॉपर जनरेट करा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हमें गुड्स को एग्जामिनेशन करना पड़ता है मेनली, बेसिकली गुड एग्जामिनेशन। हाँ, गुड्स एग्जामिनेशन का मेनली काम है, बट लेकिन आपकी पोस्टिंग पर डिपेंड करता है कि पोस्टिंग कहाँ चल रही है। अगर आपकी कोर्ट पर पोस्टिंग है तो आपको गुड्स एग्जामिनेशन करने का टाइम मिलता है, बट लेकिन अगर आपकी ऑफिस पोस्टिंग भी है तो कुछ ऑफिस के जो काम होते हैं, अगर मान लो कि आप कॉन्ट्रैक्ट सेल में तो वहाँ पर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं आपको, आप रिफंड सेक्शन में तो आपको जो ड्यूटी होती है और वो रिफंड करनी पड़ती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हर 6 मंथ्स बाद आपकी पोस्टिंग ट्रांसफर हो जाती है एक सेक्शन टू सेकंड सेक्शन। तो आपको जो वर्क बोर्ड है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम फील होता है, लाइफ में थोड़ा सा एडवेंचर रहेगा क्योंकि आपको लगातार सेम जो डिपार्टमेंट के स्टाफ है उसको फेस करना नहीं पड़ेगा और नए नए लोग आपको मिलेंगे और नया नया काम सीखने को आपको मिलेगा। आपकी केस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या काम है? इंस्पेक्टर क्योंकि एक साइनिंग अथॉरिटी नहीं है इनकम टैक्स में, जैसे एग्जामिनर साइनिंग अथॉरिटी है, एक्साइज में इंस्पेक्टर साइनिंग अथॉरिटी है, बाकी पीओज वगैरह भी मेरे को शायद पता नहीं है, लेकिन वो भी साइनिंग अथॉरिटी। इनकम टैक्स में क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी इंस्पेक्टर नहीं होता तो उसका मेन काम यही है कि अपने ऑफिसर को उसके काम में टैक्स की असेसमेंट में, रीअसेसमेंट में, कलेक्शन में उसको असिस्ट करना मेनली यही रहता है, जो कि बाहर से डिपार्टमेंट के बाहर रहकर एक्चुअली में जो पिक्चर है उससे अलग रहता है, जो बने हुए उनसे अलग रहता है। क्योंकि जैसे सपोज किसी ITO इनकम टैक्स ऑफिसर, जैसे इंस्पेक्टर से अगला प्रमोशन होता है वो, और ITO का मेन काम यही होता है कि टैक्स केसेस सिलेक्ट हुए, उनकी रीअसेसमेंट असेसमेंट हुई, उसमें उसको हर एक काम में असिस्ट करना मेनली यही काम है इंस्पेक्टर का एज ए इंस्पेक्टर टर्म। लेकिन बाद में नेक्स्ट प्रमोशन पे पावर्स और ज़्यादा वास्ट हो जाती है, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, अनलाइक अदर पोस्ट लाइक एग्जामिनर, एक्साइज, कस्टम्स और इनमें इनकम टैक्स में थोड़ी सी ज़्यादा पावर हो जाती है जस्ट नेक्स्ट प्रमोशन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ग्रुप बी और ग्रुप सी, जैसे एग्जामिनर का मुझे जहाँ तक लगता है ग्रुप बी पोस्ट है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी पोस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की, देखो एग्जामिनर को ग्रुप बी में रखा गया है, और जैसे अगर हम सैलरी एस्पेक्ट से बात करें तो सिटीज होती है कि XYZ वहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और सैलरी लगभग में दोनों 4600 ग्रेड पे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी और एग्जामिनर भी, दोनों की सैलरी बराबर है। एग्जामिनर को ग्रुप बी में रखा गया क्योंकि यहाँ पे शायद इसका जो इशू है वो ये है कि एक्स सर्विस में यहाँ पे नहीं आते, लेकिन इनकम टैक्स में मान लो कोई एयरफोर्स है, एयरफोर्स में सर्विस करके आए तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, उनके लिए अलग कोटा होता है, यहाँ पे अप्लाई करके इस पोस्ट को ले सकता है। लेकिन और दूसरा एस्पेक्ट लोग ये भी कहते हैं कि इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं हायरार्की जो है, हायरार्की का भी फर्क है, जिसकी वजह से उसको इनकम टैक्स उसमें सी ग्रेड में रखा गया। बेसिकली सैलरी में कोई सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही 4600 ग्रेड पे हैं। ग्रुप में होने से कोई फर्क नहीं है दोनों पोस्ट में। नेक्स्ट है कि प्रमोशन एक्सपेक्ट क्या है, जैसे आपने बताया इनकम टैक्स में और एग्जामिनर में, जैसे नेक्स्ट प्रमोशन होता है अप्रेजर का, इनकम टैक्स में ITO का होता है, तो कितने साल में एग्जामिनर अप्रेजर बन जाता है और कितने साल में इनकम टैक्स एक इंस्पेक्टर ITO बन जाता है नॉर्मली अगर हम लें? अगर वो डिपेंड करता है कि देखो आपकी पोस्टिंग किस जोन में है, मतलब किस लोकेशन पे। जैसे एग्जामिनर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पोस्टिंग सिर्फ 6 लोकेशन है जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, तो अगर जैसे बात करते हैं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और आपका कोची, विशाखापट्टनम और गोवा, यहाँ पे एग्जामिनर की पोस्टिंग रहती है। बट मेनली देखो प्रमोशन और की बात करें तो हर जगह थोड़ा अलग अलग है, कहीं ना कहीं डिफरेंट है। लोग कहते हैं कि चेन्नई में थोड़ा सा प्रमोशन फास्ट है, बट लेकिन वहाँ पर लोगों को जैसे नॉर्थ वाले लोग हैं उनको खाने का इशू आता है, वहाँ के वेदर का इशू आता है, थोड़ा सा गर्मी और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। बट लेकिन मुंबई में क्या है, जब देखो अब एग्जामिनर्स भी काफ़ी बल्क में लोग आए हुए हैं और वो डिपेंड करता है कि ऊपर वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। तो उसके जैसे देखें, जैसे अगर हम पिछले सिनेरियो को देखें तो चेन्नई की हम बात करें तो 3 से 4 साल में एग्जामिनर बने हुए हैं, मुंबई में भी 4 से 5 साल में अप्रेजर बने हुए हैं, और अगर मुंबई की बात करते हैं तो 4 से 5 साल में बने हुए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन है क्योंकि बल्क में लोग आ रहे हैं, अब फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 to 7 years में भी नए अप्रेजर बने। हाँ, अप्रेजिंग ऑफिसर अब 6 to 7 years में। ITO का क्या सीन है इसमें, सेम ही है या फिर टाइम ज़्यादा कम? करीबन सेम है, बट ये प्रमोशन स्ट्रक्चर मैक्सिमम कुछ रीजन्स पर डिपेंड करता है। जैसे दिल्ली में, मुंबई में जो जो ज़्यादा एक सिटीज़ हैं इसमें थोड़ा सा प्रमोशन हल्का सा स्लो है विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसी सिटीज़ हैं। जैसे एक केस सुनने में आया था केरला में 3 से 4 साल में ITO बन गया था, लेकिन मुंबई में, दिल्ली में वो कुछ ऐसा है कि 5-1 साल तक ITO बन जाता है, और उसके बाद जैसे नेक्स्ट प्रमोशन असिस्टेंट कमिश्नर का जो कि IRS कैडर से डायरेक्ट रिक्रूटेड होते हैं वो उसमें आते हैं, तो वो ITO बनने के करीबन 10 से 11 साल बाद असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, उसके बाद फिर IRS कैडर आ जाता है, तो 4-4 साल बाद, इन अप्रॉक्सीमेशन 4-4 साल बाद डिप्टी कमिश्नर, फिर
एडीजे, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर सीआईटी अपील, फिर आगे आगे बढ़ते थे। आईसीटी का जैसे इनकम टैक्स में मैंने सुना है और कस्टम्स में आईसीटी का नहीं होता, आईसीटी का क्या सीन होता है? आईसीटी है इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफ़र, वो इनकम टैक्स में जो कि पहले रूल होता था कि अगर तुम्हारा कोई ग्राउंड है, जैसे कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स बना रखे हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन हुआ, सिंगल अनमैरिड गर्ल होगी और हैंडीकैप हो गया, और फोर्थ ग्राउंड स्पाउस ग्राउंड, जैसे जिसमें ईदर ऑफ द स्पाउस इज इन नॉन ट्रांसफरेबल जॉब, बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ कि जैसे अगर मेरी वाइफ अगर किसी नॉन ट्रांसफरेबल जॉब में अगर वो है तो like क्योंकि हाँ जैसे मान लो वो सपोज दिल्ली गवर्नमेंट में है तो दिल्ली गवर्नमेंट का एम्प्लॉय यहाँ नहीं आ सकता, तो मैं सेंट्रल में हूँ तो उस बेसिस पे मेरा वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस बेसिस पे स्पाउस ग्राउंड पे ईदर ऑफ द स्पाउस, यानी कि या मेरा उस पर गर्ल होगी तो गर्ल का हो जाएगा, वाइफ हस्बैंड होगा तो हस्बैंड उस पर हो जाएगा, तो ये रहता है। फिलहाल ये रूल है कि एक साल के बाद अगर ग्राउंड है तो अप्लाई करो, बकायदा ऑप्शन खुला हुआ है तो तुरंत तुम्हारा हो जाएगा और होम स्टेट मिल जाएगा, और यही सबसे इसका बेस्ट प्लस पॉइंट। तो इसमें शायद सीनियरिटी लॉस का भी सीन? हाँ, सीनियरिटी लॉस होती है, ये एक तो लॉस सहना ही पड़ेगा कि जितनी सीनियरिटी, हाँ, और सीनियरिटी फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन से चलती है, ऑफ नोटिस, जिस जब तुम्हारा रिक्रूटमेंट आया था, मान लो हमारे 2013 से सिलेक्शन हुआ था तो जिस महीने में हमारी सिलेक्शन के लिए हमारा एडवर्टाइजमेंट निकली थी उससे सीनियरिटी चलती है, तो अब जितने साल हुए ट्रांसफ़र लेंगे तो उस वो सारी सीनियरिटी हमें लूज़ करनी। एग्जामिनर में आई सी टी का तो नहीं है, बट लेकिन ऐसा है कि एक तरीका होता है डेपुटेशन पर जाने का, जैसे आपको किसी मिनिस्ट्री में जाना है, आपके जैसे कोई ग्राउंड है तो आप जा सकते हैं, बट लेकिन आप जैसे मैंने सुना है, और एक जो ऑर्डर होता है ऑफिस ऑर्डर, जैसे जॉइनिंग के टाइम पर जो मिलता है, जॉइनिंग लेटर जो होता है, तो उस पर कहीं ना कहीं लिखा रहता है कि जैसे आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट प्रमोशन ऐसे अप्रेजिंग ऑफिसर होगा तो ऑल इंडिया सर्विस हो जाती है, ऐसा मैंने उस पर पढ़ा हुआ है तो। बट लेकिन जैसे अब IRS बन जाते हैं, जैसे बताया मेरे भाई ने कि असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, तो फिर ऑल इंडिया सर्विस ऑब्वियसली है, तो बेसिकली जब तक आप एग्जामिनर हो तो आपको पोस्ट पोस्ट एरियाज में आपको रहना पड़ेगा। तो जोन की बात करते हैं, अभी जैसे एग्जामिनर में आपने बताया 6 जगह पोस्टिंग, इनकम टैक्स की तो मेरे ख्याल से सारी स्टेट की पोस्टिंग है, सभी स्टेट्स। तो एग्जामिनर में सबसे बेस्ट जोन कौन सा है, और इनकम टैक्स एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पहली प्रेफरेंस या फिर फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस क्या रखनी चाहिए स्टेट? अगर जैसे अगर हम स्टेट्स की या जोन की बात करें, देखो वो डिपेंड करता है कि देखो आप एज एग्जामिनर बात कर रहे हो तो काम तो वही है, एक्ट आपको एक कस्टम एक्ट है उसके दायरे में काम करना है, तो हर जगह वो एक्ट अप्लाई होता है, बट लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप देखो अगर चेन्नई में बात करते हैं तो वहाँ प्रमोशन आस्पेक्ट्स थोड़े से बेटर हैं, आप वेदर की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, खाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ जाएगी, बट लेकिन अगर हम जैसे मैं मुंबई में वर्क कर रहा हूँ तो मुंबई में क्या होता है कि मुंबई में भी तीन जोन है, एक जोन वन, जोन टू, जोन थ्री, बट लेकिन जोन टू जैसे जोन वन क्या है कि जहाँ पहले बॉम्बे पोर्ट था तो उस पोर्ट पर कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम है। अगर हम जोन टू की बात करें नवाशिवा, जो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा कंटेनर्स आते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो अगर वहाँ पे आप वर्क करोगे काम ज़्यादा रहेगा और आपको मतलब थोड़ा सा एडवेंचर रहेगा, वर्क फील होगा और बड़ी बड़ी चीज़ मतलब बड़े बड़े शिप्स होंगे, कंटेनर्स ज़्यादा आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सीखने को काफ़ी मिलेगा। आप ऑब्वियसली बात है आप छोटे पोर्ट पर काम करोगे तो कम लॉलो पर कम सीखने को मिलेगा, कम चीज़ें, मतलब मेन ये है कि मुंबई सबसे बड़ा पोर्ट है, तो मुंबई, हाँ मुंबई में जब मुंबई में नवाशिवा पोर्ट जो है ना सबसे बड़ा पोर्ट है, बाकी ऐसा नहीं होता कि मतलब बाई एयर भी सामान आता है, सी पोर्ट से सामान नहीं आता, तो उसके लिए भी एक एयर कार्गो होता है, उसको जोन थ्री में रखा गया, वहाँ पे भी एग्जामिनर्स की पोस्टिंग होती है। स्टेट्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जैसे सुना है काफ़ी डिमांड रहती है दिल्ली में और नॉर्थ स्टेट्स की, मुंबई को जैसे आप मुंबई में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं और मुंबई एक इकोनॉमिक कैपिटल है, तो यहाँ इसे क्यों लोग प्रेफर नहीं करते? देखिए वैसे तो सबको अपना होम स्टेट ही बेस्ट रखना चाहिए, प्रोवाइडेड तुम्हारे मार्क्स उतने हैं, बट स्टिल अगर किसी को काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम सीखने से, आगे बढ़ने के हिसाब से है, तो सबसे ज़्यादा क्योंकि टैक्स कलेक्शन मुंबई से है, ऑल इंडिया का जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है उसका टोटली का 60% ओनली मुंबई, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, ओनली मुंबई रीजन से, एक मुंबई सिटी से सिलेक्ट कलेक्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा काम सीखने को मुंबई को मिलेगा, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मुंबई में मिलेगा, और प्रमोशन स्ट्रक्चर भी मुंबई में अदर थोड़े जो वाई सिटीज हैं जेड सिटीज उनसे थोड़े बेटर हैं। उसके बाद अगर करना चाहें तो दिल्ली है, और बाकी फिर अपनी होम स्टेट जिसकी जो प्रेफरेंस होती है वो बेस्ट है ही है, उससे बढ़िया तो कुछ है। अभी एक अगर न्यू ज्वाइन ही ज्वाइन करता है एग्जाम में, जैसे दोनों ही सेम ग्रेड में, इन हेड सैलरी उन्हें कितनी मिलेगी?
अगर हम फिलहाल देखो अभी एचआरए इंक्लूड नहीं हुआ है, अगर एचआरए को इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि अभी जो एचआरए बता रहे थे जो मतलब प्रोजेक्ट किया गया था वो 24% था, बट लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ा सा डिमांड कर रहे हैं कि 10 साल में एक बार लगता है, तो लेकिन 30% के अराउंड की उन्होंने डिमांड किया, बट लेकिन अगर 24% भी रहता तो अप्रॉक्स 55 के अराउंड उनकी इन एंड सैलरी 55 के अराउंड उसकी रहेगी। आप जो काम सीख रहे हो उसका आगे कोई स्कोप है? जैसे आपने काफ़ी सुना है मैंने कि कुछ लोग VRS ले लेते हैं 10 साल या 20 साल बाद VRS ले लेते हैं और उसके बाद वो कहीं और जॉब करते हैं, तो वो स्कोप रहता है जॉब में आप जो सीख रहे हो काम में उसमें? देखो हमारे इसमें क्या रहता है, कस्टम में क्या रहता है कि आप जैसे VRS ले लेते हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है तो जिसमें क्या है कि आदमी मतलब अपनी स्वेच्छा से मतलब रिटायरमेंट ले सकता है, उसके जैसे आपने मतलब आप पोर्ट पर काम किया, आपको एग्जामिनेशन करने को मिला, आपने गुड्स का एग्जामिनेशन किया, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी अपने अपने करियर में, तो उसके बाद क्या रहता है कि यहाँ पे एजेंट्स होते हैं, कुछ कस्टम हाउस एजेंट्स होते हैं जो कि कस्टम उनको परमिशन देता है कि या कंपनी उनको अपॉइंट करती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उनको आप गाइड कर सकते हो, आप एक एज ए कंसल्टेंट आप एक बड़ी फर्म बोल सकते हो जो बड़ी बड़ी इम्पोर्टर्स हैं एक्सपोर्टर हैं, आप उनको गाइड कर सकते हो कैसे इम्पोर्ट हो सकता है, इन गुड्स पर इतनी ड्यूटीज़ हैं और ये इल्लीगल गुड्स हैं आप इनको मत करो, अगर आप इनको करोगे तो मतलब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इस तरह के इसमें पनिशमेंट्स हैं, इस तरह के आपको एडवांटेज हैं, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट देखो बहुत सारी स्कीम्स भी देती है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, कुछ इम्पोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो अगर एक अच्छा उसने डिपार्टमेंट में काम किया उसे अच्छी चीज़ों की नॉलेज है तो वो एक बड़ी फर्म को एक अच्छी चीज़ें गाइड कर सकता है, उनके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, इससे हमारे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर उसका भी कहने का एक्सपोजर चांसेस मतलब अच्छे हैं। हाँ अच्छा, आफ्टर जॉब भी चांसेस अच्छे हैं अगर आप मतलब उस वे में काम कर रहे हैं, उसी लाइन में आप काम कर रहे हैं। सेम सिनेरियो इसमें इन लोग के सेम सिनेरियो इसमें एज अ टैक्स कंसल्टेंट आप आगे VRS के बाद या नॉर्मल रिटायरमेंट के बाद अपना फ्यूचर इसमें बना सकते हो कि किसी भी बड़ी कंपनी के MNC के या किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट के किसी डेवलपर के किसी बिल्डर के फॉर्म को उसके टैक्स की कैसे एलोकेशन करनी है, कौन सा फंड किधर कैसे एलोकेट करना है, इस वे में आप उसको हेल्प कर सकते हो और सेम ही उसके स्कोप है अच्छे स्कोप। अच्छा सबसे मेन क्वेश्चन जो रहता है आप दोनों एज एन एग्जामिनर एज एन एग्जाम जो अपनी जॉब से खुश हैं? बिल्कुल हम तो बिल्कुल खुश हैं। हाँ जॉब सेटिस्फाइड है नो इशू। आपको आपका एक्सपोजर कैसा है, आपको किस तरह से फील करना चाहता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है ये इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया रहा, लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर रहे हो गए होंगे एंड बेटर लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू।